दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ अबाउट मून। इस वीडियो में हम सिर्फ चंद्रमा की चर्चा करेंगे और चंद्रमा क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जन्म से लेके अंत तक हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, चंद्रमा के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे हम इस वीडियो में। सो चंद्रमा जो होता है वो एकमात्र ऐसा प्लैनेट होता है जो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर भी ट्रांजिट करता है और बाहर भी ट्रांजिट करता है। अगर आप प्लैनेट्स को कंसिडर करो तो सन, मर्क्यूरी और वीनस, ये तीनों इंटरनल प्लैनेट्स हैं, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आते हैं। मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न अर्थ की ऑर्बिट के बाहर आते हैं। एक अकेला चंद्रमा ऐसा ग्रह होता है जो इनसाइड द ऑर्बिट भी ट्रांजिट करता है, इलिप्टिकल प्लेन अगर आप समझते हो तो इनसाइड द प्लेन भी ट्रांजिट करता है और आउटसाइड द प्लेन भी ट्रांजिट करता है। मतलब अर्थ की जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट के अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है। इसी कारण अब अर्थ का मतलब हो गए आप खुद, आप अपने आप को एज एन अर्थ समझो, धरती का मतलब हो गया आपका साक्षात शरीर। इस शरीर को अंदर से अगर आप देखो तो आपका ढांचा स्केलेटन ये हो गया सूर्य, आपका नर्वस सिस्टम मर्क्यूरी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वीनस, उसके बाद मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये आपके बॉडी के बाहर जो मैनिफेस्ट होते हैं इन तीन चीज़ों को बताता है। और मून जो होता है वो आपके बॉडी के इनसाइड से आउटसाइड, आपके आपके शरीर में जो जाता है और शरीर से जो फ्लो आउट होता है। क्यों शरीर में जो जाता है? बिकॉज मून ट्रांजिट्स इनसाइड द सर्कल। और बाहर क्यों जाता है? बिकॉज मून ट्रांजिट्स आउटसाइड द सर्कल एज वेल। चंद्रमा जो है अंदर के साइड भी ट्रांजिट करता है और बाहर के साइड भी ट्रांजिट करता है धरती के। तो आपके शरीर में जो भी चीज़ अंदर जाती है और बाहर आती है इसको चंद्रमा कंट्रोल करता है। अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे शरीर का जो ढांचा हो गया वो हो गया सूर्य, नर्वस सिस्टम मर्क्यूरी, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारा वीनस, और ये तीनों अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आते हैं। इसका मतलब है आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं ये सारे के सारे अंदर हैं। इसके बाद मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये तीनों बाहर के प्लैनेट्स हैं। ये तीनों हमारे बॉडी के आउटर मैनिफेस्टेशंस को डिनोट करते हैं। लेकिन उससे पहले मून आता है, चंद्रमा आता है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो हमारे बॉडी के भीतर भी जाता है और हमारे बॉडी के बाहर भी जाता है थ्रू आवर मैनिफेस्टेशंस। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी चंद्रमा का काम होता है। तो जैसे ही चंद्रमा इनसाइड एंड आउटसाइड जाता है तो ये हमारी बॉडी में चल रहे प्रोसेसेस को कंट्रोल नहीं करता बट फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे पानी होता है तो पानी को जो हमने पिया वो पानी बाहर भी जाएगा। दिस इज़ मून। चंद्रमा का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, चंद्रमा का मतलब फ्लो होता है। हर वो चीज़ जो आपके बॉडी में आ रही है और बॉडी से बाहर निकल जा रही है, जो हवा होता है, सांस आप ले रहे हो, सांस आप छोड़ रहे हो, दैट इज़ मून। आपने कोई चीज़ देखा, उसको सीखा, समझा और उसको फिर बाहर में मैनिफेस्ट किया, दैट इज़ मून। आपने कोई खाना खाया, खाने को कंज्यूम किया, खाना कंज्यूम करके जो बाहर आपने डिस्चार्ज किया, दैट इज़ ऑल्सो मून। मून कंट्रोल्स द फ्लो। इसका ये मतलब नहीं है कि जो जनरल सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाएंगे। जैसे साइंस के थ्रू हमने बहुत सी चीज़ें समझी थी बॉडी में चल रही, इसका ये मतलब, मून का ये मतलब नहीं कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मून का मतलब ये है कि ये फ्लो को कंट्रोल करता है और इसी फ्लो को कंट्रोल करते करते ये फेजेस बनाता है। फेजेस का मतलब होता है जैसे जो फेडिंग मून होता है, जो वैक्सिंग मून, वेनिंग मून आपने सुना होगा, जो कम होते चले जाता है, जिस चांद जो है वो कम रिफ्लेक्शंस देते चला जाता है समय के साथ और समय के साथ बढ़ते चला जाता है। तो ये फ्लो इन और फ्लो आउट को, आपके बॉडी में कोई चीज़ जा रही है और बॉडी से कोई चीज़ बाहर आ रही है, इसको अगर फेजेस को आप गिनो तो टोटल 28 होते हैं, जिसमें से एक दिन ऐसा होता है जब चांद अमावस्या में चला जाता है, जब वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आप उस दिन को अगर हटा दो तो 27 तरीकों से
27 डिफरेंट इमोशंस के थ्रू आपके बॉडी में मैनिफेस्टेशंस होते हैं। चंद्रमा जो है आपके बॉडी से कोई भी चीज़ 27 तरीके से अंदर भेजता है और 27 तरीके से बाहर निकालता है। इसी को हम नक्षत्र बोलते हैं। अब ये नक्षत्र मैं अभी अलग वीडियो में कवर करूँगा, बट इस वीडियो में आपको सिर्फ फ्लो इन और फ्लो आउट को समझना है। चंद्रमा का काम है कि फ्लो इन कराए और फ्लो आउट कराए, इसको कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना। इससे ज़्यादा चंद्रमा का कोई काम नहीं है। क्या काम है? तो फ्लो को कंट्रोल करना। जैसे पानी पी रहे हो तो पानी कितनी देर तक आपके बॉडी में रहेगा और कितनी देर के बाद निकल जाएगा, दैट इज़ मून। सांस ले रहे हो, कितनी देर हवा शरीर में रहेगी, कितनी देर के बाद हवा बाहर निकल जाएगी, दैट इज़ मून। पेड़ को देखो आप, तो पेड़ के सीजन्स होते हैं फ्रूट लगने के, लेकिन वो फ्रूटिंग सीजन्स में एक सर्टेन टाइम लिमिट में ही वो फल दे देता है। इस फल देने को चंद्रमा कहते हैं। तो चंद्रमा का अर्थात जो होता है वो फ्लो होता है, ना कि पानी। जल तत्व नहीं है चंद्रमा का। अगर कोई कह रहा है तो हो सकता है उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग हो, लेकिन चंद्रमा का मेन जो मूल, जिसको धातु कहेंगे, उसका जो अर्थ कहेंगे, वो यही है कि ये अर्थ के ऑर्बिट के अंदर भी आता है और अर्थ के ऑर्बिट के बाहर भी जाता है। तो आपके बॉडी के अंदर आएगा, आपके बॉडी के बाहर जाएगा। और हर वो लिविंग थिंग, भले वो जानवर हो, पेड़ हो, आपका कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर और बाहर फ्लो इन और फ्लो आउट का जो काम है, ये चंद्रमा कंट्रोल करता है। इतना आपको अगर आपको इतना समझने में डाउट हो रहा है, आप प्लीज़ मेरे लेक्चर को, इस वीडियो को दोबारा एक बार स्टार्टिंग से अंत तक देखो, तब जाके आपको फ्लो समझ में आएगा कि चंद्रमा फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है। चंद्रमा का मतलब पानी नहीं होता, चंद्रमा का मतलब हर वो चीज़ होता है जो आपके बॉडी के अंदर गया और बॉडी से बाहर आया। और ये बॉडी के अंदर गया बाहर आया का मतलब ये नहीं कि जो बाहर आ गया वो मून है, नहीं। बॉडी के अंदर से बाहर के ट्रांजिट को, जो साइकिल फॉर्म होती है, इसको चंद्रमा कहते हैं, इस चंद्रमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है अंदर बाहर की, इस साइकिल को कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है चंद्रमा। आपने पानी पिया तो कितने देर के बाद ये पानी आपका बॉडी से स्वेट करके बाहर निकलेगा, यूरिनेट करके बाहर, कैसे बाहर निकलेगा, कितनी देर में बाहर निकलेगा, दैट इज मून, दैट इज मून। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि नक्षत्र रिप्रेजेंट कैसे करता है चंद्रमा। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा, बट इस वीडियो में आपको मात्र इतना करना है कि आप एक काम करो, आप सोलर सिस्टम का मैप उठाओ और सोलर सिस्टम के मैप को देखो कि जो सर्कल्स हैं, तो जो सर्कल्स हैं, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर 3 प्लैनेट्स आते हैं और अर्थ के ऑर्बिट के बाहर 3 प्लैनेट्स। हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को कंसिडर नहीं करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है क्यों। और जो अर्थ के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं और अर्थ के अंदर के प्लैनेट्स हैं, इन दोनों के रिप्रेजेंटेशंस देखो। अर्थ के अंदर के प्लैनेट्स आपकी बॉडी के चल रहे फंक्शंस हैं, अंदर के स्ट्रक्चर है, और अर्थ के बाहर के प्लैनेट्स बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो बाहर के वर्ल्ड में। और चंद्रमा जो है ये हमेशा इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स जाते रहता है, हमेशा अंदर बाहर करते रहता है, जिसके कारण आपके एक्शंस को, आपके माइंड, आपकी बॉडी को, अंदर से पैशंस को डायरेक्शन मिलती है। तो चंद्रमा का काम जो होता है वो डायरेक्ट करने का होता है। नहीं समझे तो फिर मैं बताता हूँ। फ्लो तो कंट्रोल करता ही है चंद्रमा, लेकिन डायरेक्शन भी देता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर हथौड़ा मारना है तो कितनी तेज़ हथौड़ा मारना है, कितनी बार हथौड़ा मारना है। एक फेमस फ्रेज मैं शेयर करता हूँ, जैसे कि अब्राहम लिंकन थे, उनसे पूछा गया कि आप कितने देर में एक पेड़ को काट देते हो, लकड़हारे थे वो किसी समय पर, तो उन्होंने कहा कि मैं 7 घंटे अपनी कुल्हाड़ी चमकाता हूँ, अपनी कुल्हाड़ी में धार बनाता हूँ, और 8वें घंटे में मैं पेड़ काट देता हूँ। तो ये जो प्रोसेस था पेड़ काटने का, आपने अपनी बॉडी से जो फोर्स था उसको बाहर अप्लाई किया। ये फोर्स का बाहर अप्लाई करना, ये एक साइकिल, एक पैटर्न और एक फ्लो बनाता है। इसी फ्लो को चंद्रमा कंट्रोल करता है। अभी आपको बस फ्लो समझ के चलना है कि चंद्रमा वो चीज़ है जो आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जो प्रोसेस चल रही है, पानी पिया, उस पानी के साइकिल को, पूरी के पूरी साइकिल को चंद्रमा कंट्रोल करता है। इसके बाद आपको
चीज़ें बस इतनी पर्टिकुलर रखनी है कि चंद्रमा जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है और वैक्सिंग और वेनिंग फेजेस में चला जाता है। तो फेजेस के अंदर इसके 14-14 दिन के फेजेस होते हैं, जो कि मैं नक्षत्र वाले वीडियोस में कवर करूँगा। अभी आपको सिर्फ इतना क्लियर आउट रखना है कि चंद्रमा का मतलब फ्लो होता है, वाटर नहीं। अगर कोई कह रहा है कि पानी है तो ही हैज़ अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, बट चंद्रमा का एक्चुअल मीनिंग यही है कि वो इनवर्ड्स भी फ्लो करता है, आउटवर्ड्स भी फ्लो करता है। एनी थिंग दैट गोज़ इनसाइड एंड आउटसाइड इन अ सर्कल, आपका जो सांस है ये सांस साइकिल में बंधा हुआ है, आप रोक नहीं सकते इसको। पानी पीने की हैबिट आप छोड़ दो, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो हर खाना खाना, दैट इज़ अ साइकिल। तो ये साइकिल में बंधी हुई चीज़ें, फ्लो में बंधी हुई चीज़ें, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई मून। दिस इज़ माई फाइनल नेल इन द कॉफिन टू एक्सप्लेन वॉट मून एक्चुअली इज़ एंड उसकी फंक्शनैलिटी को कैसे समझें। सो चंद्रमा का ये पहला सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मैं इसके और सिग्निफिकेंस ऐड करूँगा और अच्छे से आपको इसके अदर सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊँगा। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।